प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चनों में सबसे बड़ा फ़ायदा आपका यह है कि आपको दो दो लाभ मिल रहे हैं, दो दो फायदे मिल रहे हैं। तब आप कह सकते हैं कि आप एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, बच्चों का फ़ायदा है। देखिए किस तरीके से फ़ायदा है। हम आपको सोल्यूशन भी कराएंगे और फार्मूला भी आपको याद कराएंगे, तो आपके दो फायदे हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाने हैं या आम के आम, गुठलियों के दाम। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। थीटा बराबर आपको 45 दे रखा है, तो कह रहे हैं टेन की पावर 4 थीटा, टेन फोर थीटा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, टेन फोर थीटा का मान ज्ञात करो। आगे आप देखिए अपने सोल्यूशन या आंसर में टेन फोर थीटा या टेन की पावर 4 थीटा ऐसे भी कह सकते हैं। आगे आप देखिए टेन थीटा का होल 4, यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, हमने कैसे इसको चेंज कर लिया है, टेन थीटा का होल 4 या 4 एक ही बात है। टेन थीटा, यहाँ पर थीटा का मान क्या दे रखा है आपको, थीटा का मान आपको 45 दे रखा है। जब आप थीटा का मान 45 लगाएंगे तो टेन 45 का मान क्या हो गया आपका, 45। हमने आपसे पहले ही कहा है कि हम आपको फार्मूले भी याद कराते चलेंगे। तो टेन 45 का मान क्या है आपका, टेन 45 का मान आपका 1 है। जब आप 1 को 4 बार करेंगे, ज़रा ध्यान दें, 1 को 4 बार करेंगे तो बच्चे 4 बताते हैं आंसर या 4 लिख कर आते हैं, ये गलत है। जब आप 1 को 4 बार करेंगे तो आपका 1 मिलेगा, ध्यान दें ज़रा। 1 को आप जब 4 बार करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ना कि 4 मिलेगा। बच्चे 4 लिख के आते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो आपका आंसर है या सोल्यूशन है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।